देखिए, इंदौर में पूरी तरह से अभी लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए किया गया है 25 तारीख तक, और इसको आगे आवश्यकता अनुसार 31 तक बढ़ाया भी जा सकेगा। इसके अंतर्गत केवल अत्यावश्यक सेवाएं अलाउ की गई हैं, लोक परिवहन पूरा बंद किया गया है इसमें, और इसमें ये अपेक्षा सभी से है और सबसे ऐसा अपील भी है कि केवल आवश्यक, अगर आपको कोई ऐसा सामान खरीदना हो कि आपको फल लेना है, सब्जी लेना है, या कोई फूड आर्टिकल लेना है, दवाइयाँ लेनी है, उसके अलावा आप बिल्कुल अपने घरों से ना निकलें, अपने घर में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि इसमें बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। अगर हम इस कोरोना संक्रमण से बचा पाएँ अपने आप को, और वो तभी संभव है जब हम कहीं पे भी ऐसे स्थान पे ना जाएं जहाँ पे संक्रमण हो सकता है, तो अत्यावश्यक सेवाओं और या वस्तुएं खरीदने के अलावा घर से खरीदें। अभी इंदौर में 25 तक का लॉकडाउन है, लेकिन पूरी संभावना है कि हमको 31 तक ये लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो मेंटली सभी लोग इसके बारे में प्रिपेयर्ड रहे हैं। उसमें सरकारी दफ्तरों के लिए अभी आदेश आ चुका है कि सभी सरकारी दफ्तर केवल अत्यावश्यक सेवाएं जो हैं उसमें उनको छोड़कर वो सभी बंद कर दिए गए हैं, और उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अगर आवश्यकता अनुसार या तो वर्क फ्रॉम होम करें या होम में उपलब्ध रहें फ़ोन कॉल पर, कि अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनको तुरंत आधे घंटे के अंतर्गत अपने वर्क प्लेस में उपस्थित होना। जिले के जो अफसर हैं, बड़े अफसर, उनको क्या सभी इस काम में लगाया जाएगा, मॉनिटरिंग में? देखिए, हम लोग अभी एक तो ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ को स्वास्थ्य विभाग के पुराने जो एडमिनिस्ट्रेटर इस प्रकार के लोग रहे हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, उनको भी कुछ लोगों को लगा रहे हैं। एडमिन से भी सभी लोगों को जो रिस्पांस टीम्स बनाई गई उसके प्रभारी के रूप में लगाया गया है, लेकिन अल्टीमेटली जो मरीज को जाके चेक करना है वो तो हमारी मेडिकल टीम को ही करना होगा, तो वो भी टीम्स बहुत बड़ी संख्या में बना दी गई है। बड़ी आइसोलेशन फैसिलिटी के रूप में दो हॉस्पिटल हम लोगों ने चिन्हित किए, एक मॉडर्न मेडिकल कॉलेज की एक बिल्डिंग हमारे पास उपलब्ध है, और एक विशेष हॉस्पिटल जो शिफ्ट हो गया उसकी बिल्डिंग उपलब्ध है। इन दोनों को भी एक बड़े आइसोलेशन फैसिलिटी और क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में तैयार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो हमारे पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा जितने हॉस्टल्स हैं जिनमें मेस फैसिलिटी है, उन सबको भी हम लोग एक लिस्टिंग करके रख रहे हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार के आइसोलेशन की अगर आवश्यकता पड़े तो उनको उपयोग किया जाए। पता है, स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू था, इसमें किसी प्रकार का कर्फ्यू का आदेश नहीं जारी किया गया था, कि उसमें कोई 144 का आदेश था उसमें, उसके पीछे केवल स्वेच्छा से था, और उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही एक तरह से मूर्खतापूर्ण हरकत करी जो उस प्रकार से वो राजवाड़े या पाटनीपुरा में निकल के आए उसमें, लेकिन वो चूंकि लिखित आदेश से हमने उसको प्रतिबंधित नहीं किया था, इसलिए उसमें कार्रवाई हम लोग नहीं कर पा रहे उस तरीके की। लेकिन ये जो आदेश है लॉकडाउन का, ये 144 CRPC और मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट से सपोर्टेड है, और अगर इसका कोई वायलेशन होगा तो जो शासकीय आदेश की वायलेशन करने पे जो 188-187 की कार्रवाई होती है IPC की, वो की जाए। सर, शराब दुकानें भी बंद रहेंगी? शराब दुकानें चूंकि एसेंशियल सेवाओं में नहीं है तो निश्चित रूप से बंद रहेंगी। जिले की सीमाएं सील रहेंगी पूरी तरीके से, आने जाने सेवाएं, लोग नहीं आएंगे, गुड्स आएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, गुड्स का ही मेनली उसमें खोला गया, बाकी हमने बंद किया, लेकिन उसके अलावा हम लोग चेक पॉइंट्स लगाएंगे, उसमें कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी से जा रहा है या इस प्रकार की कोई दूसरी इमरजेंसी होंगी तो उसमें उसको चेक करके कुछ लिमिटेड केसेस में उसको अलाउ किया जाएगा। सिर्फ प्राइवेट संस्थान जो है, प्राइवेट संस्थान ही पूरे बंद किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो अत्यावश्यक वस्तुएं बना रहे हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हों या ड्रग्स हों या सर्जिकल आइटम्स हों, इस प्रकार के उनको किया गया। इसके अलावा किसी को लगता है कि कोई ऐसे अत्यावश्यक उनकी सेवा है और उसको देना है उनको, तो वो उसके परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर, पर्सनल व्हीकल मूवमेंट किस तरह से रिस्ट्रिक्टेड? देखिए, किराना दुकानें खुली हैं तो व्यक्ति जाके ग्रोसरी शॉप्स से अपना सामान तो खरीद ही सकता है, लेकिन सबसे यही अनुरोध रहेगा कि अनावश्यक बाहर ना निकलें। भीड़ ज़्यादा किसी जगह पर एकत्रित होगी तो वो भी वायलेशन होगा 144 के आदेश का, तो वो ना करें, केवल अपना काम करके वापस जाएं। देखिए, थर्मल स्कैनर वास्तव में भी एक समस्या है, थर्मल स्कैनर्स की उपलब्धता नहीं है। हम लोगों ने इस चीज़ को स्टेट लेवल पर भी रेज़ किया और स्टेट लेवल से राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको रेज़ किया गया है। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उसकी सप्लाई को जल्दी, वो इम्पोर्टेड आइटम है बेसिकली, तो जैसी सप्लाई मिलेगी हम लोग उसको उपलब्धता कराएंगे। अभी सैनिटाइज़र और मास्क के लिए 2-3 निर्णय हमने लिए हैं कि एक दुग्ध संघ की लैब में भी हम लोग सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके अलावा MGM की लैब में भी करेंगे हम लोग, मेडिकल कॉलेज की लैब में। मास्क के लिए हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन लेकर, हम लोग कम से कम क्लॉथ वाले जो मास्क हैं वो हम लोग सोच रहे हैं एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको मैन्युफैक्चर करें, और जो हमारा ग्रामीण हाट वाली जगह है, फिर जब ये इनके मैन्युफैक्चर के बाद वहाँ पे उनकी उपलब्धता हम कराएंगे, ताकि अगर किसी को खरीदना हो तो वहाँ से ले सकें। जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले अगर हम इंदौर की बात करें, तो इंदौर से पूरे इंदौर डिवीज़न के जितने सैंपल्स की बात है, इंदौर सहित उसमें अभी तक हम लोगों ने 24 सैंपल्स भेजे हैं, अभी तक 21 सैंपल्स की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और सभी सैंपल्स निगेटिव हैं इसमें।
हमारी एनजीएम की लैब में भी हम अब सैंपल्स को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शुरू के 10 सैंपल्स हमको एक बार पुणे से या एम्स से कंफर्म कराने हैं, उसके बाद ही हम उसको अनाउंस कर पाते हैं। इसके अलावा अभी तक होम क्वारंटाइन में 400 से अधिक लोग हमारे यहाँ हैं और उसमें से लगभग 250 लोग का होम क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो चुका है विदाउट एनी सिम्टम्स। इसके अलावा जो नए निर्णय आज लिए गए हैं, इसमें पीसीसीटी अस्पताल को ये तय किया गया है कि आइसोलेशन हॉस्पिटल के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे। अभी एमआरटीबी हॉस्पिटल में जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेज से संबंधित जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम ओपीडी कर रहे हैं। इसके अलावा 18 हॉस्पिटल्स और ऑर्डर हम लोगों ने किए हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, उनको भी खांसी जुकाम के मरीज जो अभी सब एमआरटीबी की तरफ भेज रहे थे उनको भी अपने ओपीडी करना है। अगर किसी में सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं कि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं और उसकी सैंपल लेने की आवश्यकता है, उस कंडीशन में उसको पीसीसीटी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा और आइसोलेट करके उसका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल भेजने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं रहेगा उसको उस आइसोलेशन में रखा जाएगा और जब रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो AICTCL का जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पर हमारे पास 40 के करीब ऑपरेटर्स हैं। उस पूरे कॉल सेंटर को हम लोग अब कोरोना के इन्फॉर्मेशन के लिए और उसकी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं। वो नंबर भी हम लोग आज रात को शाम को जारी कर देंगे। इसके बाद कोरोना से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक को शेयर करनी हो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आ रही है कि फला व्यक्ति UK से लौटा है, फला दुबई से लौटा है या इटली से लौटा है, तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन उस कॉल सेंटर में वो दे सकते हैं। उन कॉल सेंटर के माध्यम से टीम्स बना दी गई हैं जिसमें वो उन घरों पे जाके उनको चेक कर लिया जाएगा और अगर उनमें कोई सिम्टम नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन 14 दिन का किया जाएगा, उसके संबंधित स्टिकर लगा दिया जाएगा उनके उसमें हाथ में भी और उनके घर पे भी, कि हम लोग पोस्टर जैसा लगा रहे हैं उस पर कि ये होम क्वारंटाइन है, और उनके अड़ोसी पड़ोसियों को भी बता दिया जाएगा कि ये लोग होम क्वारंटाइन में हैं। इन होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट्स को भी, व्यक्तियों को भी हम लोग लगातार टीम्स के माध्यम से मॉनिटर करेंगे और उस कॉल सेंटर में उनकी भी रोज़ लॉग दर्ज कराया जाएगा कि उनका क्वारंटाइन चेक किया गया इसमें। तो इससे पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक से आ रही है, और हम लोग पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती है कि जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जांच नहीं कराई है और वो विदेश से हाल में ही लौटा है, खासकर ऐसे कंट्रीज से जहाँ पे कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, तो उसको अवश्य सूचना दें। उसी में आप ये भी जोड़ लेंगे जिन प्रदेशों में ज़्यादा संक्रमण हमारे यहाँ हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, इसके अलावा केरला में है, कर्नाटका में है, अब UP में भी काफ़ी हो चुका है, राजस्थान में है, इन प्रदेशों से भी अभी पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर अगर कोई लौट के आया है तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन उसमें दे सकते हैं। क्योंकि हमको पब्लिक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सस्पेक्टेड लोगों को आइसोलेट कर पाएंगे और वही स्प्रेड इसका रोक पाएगा। तो पब्लिक से इन्फॉर्मेशन उस कॉल सेंटर के माध्यम से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अभी तक संभाग के 5 ज़िले लॉकडाउन घोषित किए जा चुके हैं जिसमें इंदौर ज़िला भी सम्मिलित है। इसके अलावा बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, ये भी हमारे यहाँ किए जा चुके हैं। खंडवा, बुरहानपुर भी इसके प्रोसेस में, जो आज वो भी हो जाएंगे। इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन उस पर कंप्लीट रोक लगा दी गई है, शासन का आदेश अभी थोड़ी देर पहले ही आया है और उसके द्वारा अब बसेस के अलावा जो बाकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी लोग आ रहे हैं उनको भी अब निषिद्ध किया गया है, वो नहीं आएंगे हमारे स्टेट में, ताकि ये इसलिए किया जा रहा है कि संक्रमित कोई व्यक्ति उन स्टेट से यहाँ पर ना आ जाए। केवल गुड्स का जो परिवहन है वो अलाउड रहेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा ना हो। इंदौर में जो लॉकडाउन है उसमें भी सभी अत्यावश्यक सेवाएं हैं, अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, ये सब उससे फ्री रखी गई हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो कि पूरी तरीके से उसमें चालू रहेगी। दवाई की दुकानें हैं, किराना शॉप्स हैं उसमें, उसके अलावा पेट्रोल पम्प्स हैं, गैस की सप्लाई है, कुकिंग गैस की सप्लाई है, फ्रूट सब्जी, ये सभी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। इसके अलावा सभी चीज़ें बंद की गई हैं इसमें, तो उसका पालन सभी को करना होगा। और ताकि, और ये इसलिए किया गया है कि ताकि एक प्रिकॉशनरी लॉकडाउन है कि किसी प्रकार का अगर कोई संक्रमण हमारे अगर आया भी है कोई व्यक्ति तो उसका स्प्रेड उसको रोका जा सके। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आज इस बारे में तय की गई।